हेलो, हाँ नेत्रा जी, हाँ नहीं नहीं मैं घर आ गई हूँ, मम्मी मेरे साथ ही हैं। हाँ पुलकी है यहाँ पे, बस परी को आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसके आते ही मैं निकलती हूँ। थैंक यू सो मच नेत्रा जी, वो आपकी आपकी उस पब्लिशर से बात हुई, वो नहीं छापेगा ना कल। थैंक यू सो मच, मैं जल्दी से जल्दी पहुँचती हूँ। अरे इस मैडम को नहीं, उन्हें ले चलो, सुमन रस्तोगी जी को। आप टीवी स्टार हो, फिल्म स्टार हो, पॉलिटिशियन हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हवलदार, क्या मैडम ला इंटरोगेशन रूम में दिखे, इंक्वायरी करो यार। सोर्सेस ने हमें बताया है कि आपकी मॉम ने कुछ चोरी की है, वैसे क्या चुराया इन्होंने? माँ 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 नहीं, बस 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 चुप हो जाइए माँ प्लीज। देखिए अब सब ठीक है, हम लोग घर पे है ना, हमारे घर पे हम सब है आपके साथ। मम्मा चुप 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 प्लीज मम्मा चुप हो जाओ, मम्मा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज प्लीज हम देखें ना, प्लीज प्लीज मम्मा बस चुप प्लीज। इतनी बेइज्जती, दिल्ली की वो सारी बातें याद आ गई, बाप के साथ मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था। वही गंदी नजरें, वही गंदी बातें, वही सब कुछ। आज मम्मा मत सोचो, मम्मा मम्मा इतना मत सोचो प्लीज, तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मा मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है, मुझे मेरे रूम में जाना है। सुनो, पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी हुआ ना, वो परी को कोई कुछ नहीं बताएगा, उसके बाद मैं बुलाती हूँ उसे। हाँ परी, गेस व्हाट, क्या हुआ? फैशन शो का फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया और फाइनल राउंड नेक्स्ट वीक है। देखा देखा, मुनिया गई थी ना शनि मंदिर, मेरे बच्चे को बुरी नजर से बचाए। थूक थूक थूक। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। मान गए परी। सोना, सबके लिए कुछ मीठा खाने के लिए ले आ, जा। तू मुझे ये बता कि तू, अरे हट ना, कितना पोछा लगाएगी, बैठ जा। बच्चा मैं तो आ नहीं पाई थी ना तेरे पास, वेरी सॉरी, पर तू अब मुझे ये बता कि वहाँ पे जजेस कौन कौन थे, उन्होंने क्या क्या सवाल पूछा, कंटेस्टेंट्स ने क्या क्या। ओह इट वाज गुड, सब कुछ बहुत अच्छा था, जैसे आपने सिखाया ना मैंने सब कुछ वैसे ही किया। देखा मैंने कहा था ना तुझे टक्कर देने वाला और कोई नहीं हो सकता। नहीं नहीं मॉम, थी ना पूजा, उसने सारे आंसर्स बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दिए थे। कौन पूजा? मॉम पूजा, मैं आपको बता रही हूँ, एक वही है जो मेरी बराबरी कर सकती है, उसकी ना ऑर्गेनाइजर्स के साथ भी काफी अच्छी दोस्ती है और उसके नेटवर्क्स और कॉन्टैक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मॉम वो जीत भी सकती है। क्या नाम है उसका पूरा? पूजा सिप्पी। आपकी जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट है ना निशी सिप्पी, उसी की बेटी है। इससे सिप्पीज, बालों में च्युइंगम चिपक गई हो ना, वैसे चिपक गए सिप्पीज मेरी जिंदगी में, छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें, सबको सबक सिखाती हूँ। वर्मा जी मुझे सिप्पी परिवार के खिलाफ मानहानि का दावा ठोकना है, जीना हराम कर दिया उन्होंने मेरा। हाँ मेंटल टॉर्चर, आप जो कहे वो सारे केसेस आप लगा दीजिए, मैं आपको अभी नाम लिखवा रही हूँ। सोना बीच में मत बोल। माँ प्लीज, नाम माँ प्लीज, सोना एक मिनट। माँ अंकल मैं सोनाक्षी बोल रही हूँ, मम्मी बहुत गुस्से में, मैं वापस फोन करती हूँ प्लीज। क्यों रोका तूने मुझे? वो निशी सिप्पी मुझे परेशान कर रही है और अब उसकी बेटी मेरी बेटी के आड़े आ रही है। शांत शांत माँ प्लीज, बात समझने की कोशिश कीजिए। दीपर हो क्या रहा है? एक मिनट परी, मैं बताती हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं, नहीं मम्मा। मॉम हेलो, हाँ बंटी मैं बस 5 मिनट में घर से निकल रही हूँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। हाँ ओके, हाँ हाँ आप रेडी कर लो।
पुलकी मुझे निकलना है, बार बार सेट से फोन आ रहा है, तू प्लीज घर पे मम्मा को संभालना, कुछ गलत नहीं करने देना और कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। ओके आप रेडी हो जाओ, मैं मुझे से एक डब्बा पैक कराता हूं। मुझे दीदी वो डब्बा पैक कर दो ना, दीदी जाएंगे तो। जानता हूं जो हुआ बहुत गलत हुआ सोनाक्षी, लेकिन एक बार प्लीज मुझसे बात कर लो। नहीं रोहित, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सोना मैम आ गई? यस मैम, शी इज इनसाइड। तो जल्दी से तैयार कर दो। हाँ आ जाइए। नेत्रा जी, थैंक यू सो मच, आपने वो जर्नलिस्ट को हैंडल कर लिया, थैंक यू। हाउ इज मामा? ठीक नहीं है। पता है इतने सालों में पहली बार मामा को इस तरह से बिखरते हुए देखा। वो इतना टूट गई है, वो खुद को संभाल ही नहीं पा रही है। पर हुआ भी तो ऐसा ही है ना, आज वहां इतना डर लग रहा था। कितना फर्क है ना एक पुलिस स्टेशन के सेट पर शूट करना और एक असली पुलिस स्टेशन में जाना। सुना, मुझे लग रहा था मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, मम्मा वही रह जाएंगी। कितनी अजीब बात है, लोगों को लगता है हम सेलिब्रिटीज हैं, इस ऐसी सिचुएशन में बस किसी कमिश्नर को एक फोन लगाएंगे और यूं बेल मिल जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं होता, हम भी उतने ही बेबस और लाचार हो जाते हैं जितना कि एक आम इंसान। मैं बहुत डर गई थी। वो तो अच्छा हुआ सही समय पर वो डॉक्टर रोहित उस निशि को लेकर के वहां आ गया, वरना मां भी वही होती और पता नहीं उनके साथ। सोना है वॉटर, धुंधला धुंधला सर याद, मैं इसी तरह से मांगो बेबस आचार उस पुलिस स्टेशन, पुलिस के सवाल जवाब। सोना, तुम बहुत स्ट्रांग हो और अच्छे लोगों के साथ कभी भी गलत नहीं होता है। ये सब एक्सीडेंट्स है, सब ठीक हो जाएगा, बिलीव मी। वो तो अच्छा हुआ डॉक्टर रोहित टाइम पर आ गए और उन्होंने कुछ अच्छा नहीं हुआ। उस डॉक्टर रोहित ने सब बिगाड़ा भी उसी ने है। काश कि हम मिले ही ना होते। सर तुलसी, कोर्टोरोन की एक्स्ट्रा डोज के बाद प्रीति को फर्क पड़ा? आई होप शॉक थेरेपी की जरूरत ना पड़ी हो। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्रीति का नहीं है सर, आप मिसेस सिंगल और प्रीति में कंफ्यूज हो रहे हैं। मिसेस सिंगल, चेस्ट रिपोर्ट्स दिखाओ उनकी। बट चेस्ट रिपोर्ट्स तो मिस्टर खन्ना की है। राहुल खन्ना, यस सिट। यस ठीक है। प्रीति कैसी है अभी? प्रीति के डिस्चार्ज पेपर्स आप ही ने साइन किया कल रात को।
प्रीति का डिस्चार्ज हो गया। एवरीथिंग ऑल राइट सर? यस, प्रीति की नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है? थर्सडे 10 AM। ओके थैंक यू। तुलसी? यस सर। तुम्हारी मदर की एज क्या है? 65, लेकिन बहुत फिट है। जेल गई है कभी? नो सर, नेवर। रिलैक्स, कम हियर। ऐसा मान लो कि किसी ने तुम्हारी मदर को जेल भेज दी गलती से, 2-4 घंटों के लिए बस, तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? क्या करोगे? बोलू? या प्लीज। उसको तो मैं पहले गरम तेल में बॉईल करूंगी, फिर सर्जिकल ब्लेड से उसका सारा बाल काट दूंगी, फिर उसके ऊपर स्पिरिट डालकर उसका स्क्रीम से सुनूंगी, अपना पेपर श्रेडर है ना उसमें डालकर उसका छोटा छोटा टुकड़ा करूंगी और सब टुकड़ा में मॉर्ज में रखूंगी आइस पे, उसका एक एक टुकड़ा रोज लाके जला दूंगी। मेरी अम्मा को जेल भेजेगा रास्कल। Calm down, huh? Pani? Calm down, huh? कहीं नहीं भेज रहा, okay? Do your follow-ups. Sorry. No problem. सोनाक्षी का गुस्सा तो बिल्कुल जायज है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।